यहां पर मुख्यमंत्री का रोड शो चल रहा था। अब आपको कांग्रेस की तस्वीरें दिखाते हैं, अजमेर की ये तस्वीरें जहां पर सचिन पायलट रोड शो करने के लिए पहुंचे हुए हैं। अजमेर से ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और सहयोगी दीपक हमारे साथ वहां मौजूद है, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, अभी तक की हम बात करें तो इस रोड शो की तस्वीर क्या नजर आई है? देखिए श्वेता, जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी ने, दोनों ही पार्टियों ने यहाँ पर अपना दमखम लगा दिया है, जहाँ मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का अजमेर में रोड शो है, वहीं कांग्रेस भी अपना रोड शो यहाँ पर कर रही है। डॉक्टर रघु शर्मा के समर्थन में आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, राज बब्बर, सचिन पायलट है जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, रामेश्वर सिंह, इनके साथ तमाम जो कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं वो अजमेर में रोड शो कर रहे हैं, और तमाम कांग्रेसियों के, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से जो बड़े नेता है उनके यहाँ भीड़ जुटी है। उसके बाद यहाँ पर सभा को संबोधित करेंगे कांग्रेस के बड़े लीडर। आप तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, जिस तरीके से तस्वीरें भी खुद दया कर रही है, आतिशबाजी कर रही है, और यहाँ पर जो कांग्रेस है पूरा दावा कर रही है कि कांग्रेस इस बार यहाँ कांग्रेस सीट निकालेगी, और जिस तरीके से कह सकते हैं बीजेपी भी अपने यहाँ दावा कर रही है कि बीजेपी यहाँ सीट निकालेगी, कांग्रेस अपना दावा कर रही है कि वो यहाँ अपनी सीट निकालेगी, लेकिन दोनों अब 29 जनवरी को जो मतदान होगा वो स्पष्ट करेगा कि किसके खाते में है अजमेर की सीट जाती है। सावर लाल के निधन के बाद लोकसभा चुनाव डिक्लेयर हुआ श्वेता, और उसके बाद सचिन पायलट हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से पायलट साहब कितनी उम्मीद करते हैं कांग्रेस जीत की। तीनों सीटों पे कांग्रेस जीतेगी। अजमेर शहर में आज जो उत्साह है उस बात का प्रतीक है कि लाखों वोटों से कांग्रेस जीत के जाएगी। सरकार चाहे कितनी कोशिश कर ले, धमका ले, लालच दे ले, कि जनता कांग्रेस के पक्ष में है। बिल्कुल, कांग्रेस जिस तरीके से आपने भी पूरा दमखम लगा रखा है अजमेर में, ये पब्लिक का मूड है, कांग्रेस का आना तय है। उपचुनाव में भारी अंतर से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कितने अंतर से जनता के ऊपर है, लेकिन लाखों वोट जीते। आज इतना उत्साह देखने को मिल रहा है, ये सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की वजह से है, और हमारे उम्मीदवार जीत कर जाएंगे मैं जानता हूँ। आज बब्बर है हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हम किस तरह से आज देखे जो कांग्रेस सचिन पायलट ने बताया कि कांग्रेस जीत का दावा कर रही है और बड़े अंतरों की जीत या कांग्रेस बता रही है, और तमाम जो कार्यकर्ता हैं तमाम कांग्रेस के रोड शो में शामिल हुए हैं जी, और कह सकते हैं बिल्कुल दीपक आप बात करने की कोशिश कीजिए, मैं चित रहा हूँ आपके साथ अजमेर लोकसभा से। जी बिल्कुल दीपक, आप बात करने की कोशिश कीजिए, आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा अभी वहां पर क्योंकि रोड शो में चलते हुए ये बातचीत करना, आप बातचीत कर लीजिए, तब तक हम दर्शकों को तस्वीरें दिखा दें। बीजेपी और कांग्रेस की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बीजेपी की तस्वीरें आपके पास माडलगढ़ से है, थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं, लेकिन अजमेर से जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जिसमें आपको सचिन पायलट नजर आ रहे हैं वो सीधी तस्वीरें हैं। अजमेर की तस्वीरें आज थोड़ी देर बाद और दिलचस्प हो चलेंगी जब मुख्यमंत्री का रोड शो भी यहां पर शुरू होगा। फिलहाल माडलगढ़ से तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री का रोड शो, और ये तस्वीर हालांकि आपको बता दें एक बार फिर कि ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें क्योंकि मुख्यमंत्री अभी किसी मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हुए हैं। लेकिन मांडलगढ़ के अलावा हम बात करें अजमेर की, तो कांग्रेस का चुनावी प्रचार यहां पर शुरू है, लगातार शुरू है, लेकिन आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट आज अजमेर में रैली संभाल रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर इन तीन उपचुनावों में कांग्रेस की जीत का दावा भी सचिन पायलट ने कर दिया, साथ ही ये भी कह दिया कि भारी अंतर से जीतेगी। हालांकि अब किसके दावे में कितनी ताकत है और किसका दावा यहां पर सच साबित होता है ये 1 तारीख को ही पता चलेगा, क्योंकि 29 को मतदान होगा और उसके बाद जो पेटियां हैं वो 1 तारीख को खुलेंगी, यानी किसके दावों में कितनी सच्चाई है वो आपको 1 तारीख को ही पता चल पाएगा, क्योंकि जनता बहुत ज्यादा सतर्क है, जनता को पता है कि आखिर वो क्या चाहती है, लेकिन वो बताना नहीं चाहती कि आखिर वो चाहती क्या है। मांडलगढ़ की तस्वीरें, मुख्यमंत्री के रोड शो की ये तस्वीरें, थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री के इस रोड शो में लगातार लोगों की भीड़ देखने को मिली, हालांकि भीड़ कांग्रेस के रोड शो में भी देखने को मिल रही है, और अब थोड़ी देर बाद ये देखना होगा कि अजमेर में मुख्यमंत्री का जो रोड शो होगा उसमें कितनी तस्वीर
कैसे निकलकर सामने आती है, उसमें कितनी भीड़ जुट पाती है। लगातार बने हुए एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। शो हुआ है, रोड शो खत्म हो चुका है, अपडेट आपको यहां पर दे दें। मुख्यमंत्री ने रोड शो के आखिर में एक मंदिर में दर्शन किए, वहां से जीत की दुआ मांगी और उसके बाद अब मुख्यमंत्री आपको बता दें कि अजमेर रवाना होंगे अब से थोड़ी देर में। अजमेर में फिलहाल सचिन पायलट का रोड शो चल रहा है और इसके बाद मुख्यमंत्री का रोड शो अजमेर में होगा। काफी हद तक ये जो तस्वीर है वो क्लियर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और थोड़ी देर पहले सहयोगी ऐश्वर्य जब शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी से बात कर रहे थे तो उन्होंने इस रोड शो को नाम दिया है विजय संकल्प यात्रा का। बेहद कॉन्फिडेंस में इस वक्त बीजेपी नजर आ रही है और वही कॉन्फिडेंस बीजेपी के हर कार्यकर्ता हर नेता के चेहरे पर देखने को मिल रहा है। अजमेर का रुख कर लेते हैं, ऐश्वर्य वहां पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजमेर की बात करें ऐश्वर्य हम, तो थोड़ी देर पहले वासुदेव देवनानी ने इसे विजय संकल्प यात्रा का नाम दिया था इस रोड शो को, और ये काफी हद तक ये बताता है कि बीजेपी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपनी जीत को लेकर। देखिए अब रोड शो जो है बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचने वाली है, पुलिस लाइन हेलीकॉप्टर के जरिए मुख्यमंत्री पहुंचेंगी और पुलिस लाइन से कार के जरिए यहां पहुंचेंगी और एक खुली खुला वाहन तैयार किया गया है मुख्यमंत्री के लिए। यहां पर मेरे साथ पूर्व आरपीएससी चेयरमैन श्याम सुंदर शर्मा भी मौजूद है जो यहां के चुनाव के प्रभारी रहे हैं। इससे पहले हमने तमाम नेताओं से भी बातचीत की थी, अब हम सबसे पहले बात करेंगे श्याम सुंदर शर्मा साहब से। श्याम जी, क्या कुछ कार्यक्रम की तैयारियां हैं यहाँ पर? यहाँ आज ऐतिहासिक रोड शो होने जा रहा है, इस चुनाव को सबसे बड़ा रोड शो होगा और ये चुनाव को एक नया मोड़ दे देगा ये रोड शो। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा शहर उमड़ पड़ रहा है, पूरे क्षेत्र से लोग आए हुए हैं और बहुत विशाल रोड शो होने जा रहा है। देखिए बहुत विशाल रोड शो हो रहा है, तस्वीरों में आपको मंत्री अरुण चतुर्वेदी भी दिखाई दे रहे हैं। भूतरा जी और लोहिया जी, क्या तैयारियां हैं, कितना बड़ा रोड शो होगा? बहुत विशाल रोड शो होगा, अजमेर के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा रोड शो होगा। आभार प्रकट करूंगा अजमेर की जनता का, जिस तरह जन सैलाब आज यहाँ हम देख रहे हैं, महिलाओं का, युवाओं का, आम नागरिकों का पूरा। अभी हम अरुण चतुर्वेदी जी से बात करते हैं, मंत्री अरुण चतुर्वेदी के, ओंकार सिंह लखावत भी मेरे साथ मौजूद है। लखावत जी, क्या कुछ रहेगा, कैसी व्यवस्थाएं रहेगी, आपके ऊपर अनुशासन की जिम्मेदारी? माननीय मुख्यमंत्री जी के जो आज यहाँ पर महा जनसंपर्क यात्रा है उसमें शहर में भव्य स्वागत होगा, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, बड़ी संख्या में महिलाएं हमारी कार्यकर्ता आई हैं और हमारे यहाँ की हैं। कांग्रेस के लोग जैसे राज्य भर से इकट्ठे करने की उन्होंने कोशिश की, हमारे यहाँ किसी को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ के अपने कार्यकर्ता हैं और वो एक महा जनसंपर्क यात्रा। अरुण जी चतुर्वेदी भी यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं संभाले हुए, आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं उनको निर्देश दे रहे हैं यहाँ पर मंत्री अरुण चतुर्वेदी, जिन्होंने यहाँ लगातार कमान संभाली हुई थी। चतुर्वेदी जी, किस तरीके से अभी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, ये जो महिलाएं पुरुष हैं किसको कहां पर खड़े होना है, ये तमाम व्यवस्थाओं को अरुण चतुर्वेदी देख रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, तमाम लोगों से जुड़ेंगे। उसके अलावा आपको कुछ तस्वीरें भी हम यहाँ की दिखाते हैं कि किस तरीके से तस्वीर बनाई गई है। ये देखिए सबसे आगे फ्रंट में जो गाड़ी है, इस गाड़ी में मुख्यमंत्री जो है वो रहेंगी, गाड़ी सजाई गई है रोड शो के लिए और महिलाएं जो है क्रमवार यहाँ पर चलना शुरू हो गई है। अरुण जी मेरे साथ मौजूद है, अरुण जी से हम बातचीत करेंगे। अरुण जी, किस तरीके से रहेगा ये रोड शो? आप सबसे खास बात ये कर रहे हैं कि कांग्रेस का भी रोड शो चल रहा है, यहाँ पर अनुशासन बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, पुलिस प्रशासन भी व्यवस्थाएं संभाले हुए हैं, क्या कुछ लगता है? देखिए हमें बड़ा स्पष्ट लगता है कि जहाँ एक तरफ हमारे कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है जिसका आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, एक जीत के प्रति आशान्वित कार्यकर्ता पूरे अनुशासन के साथ, पूरे मनोयोग के साथ, और पार्टी ने जिस प्रकार से रचना तय की है उसी रचना के साथ चलेगा। हम सब कार्यकर्ता इस बात के प्रयास में है कि हम जहां सफलतापूर्वक अपना संदेश जनता को दे पाएं, मुख्यमंत्री जी सीधा संवाद कर सकें, वहीं ये भी हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है कि हम किसी प्रकार से भी अजमेर के लोगों को कम से कम असुविधा इसमें हो, उनका सम्मान रहे, उनको सबको गरिमा के साथ उनके और मुख्यमंत्री जी के बीच में कोई अवरोध ना हो, इसको सुनिश्चित करने का लगातार हम प्रयास। यहाँ पर दो वाहन है, इनमें से कौन से वाहन में मुख्यमंत्री बैठेंगे या आगे गया मुख्यमंत्री? ये जो आगे सामने आपके दाहिनी तरफ खड़ा है उसमें मुख्यमंत्री जी का रहेगा, मुख्यमंत्री दो वाहन के, एक आगे सिक्योरिटी रहेगी, एक पीछे रहेगी। एक आगे उसमें महिलाओं के नाते से किरण माहेश्वरी जी, कमसा मेघवाल जी, महिला मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ के जिला प्रमुख वो रहेंगी और इससे पीछे के वाहन में यहाँ के विधायक वासुदेव जी देवनानी, यहाँ के हेड़ा जी, वो सबसे आगे वाले में रहेंगे, जिसमें मेयर भी रहेंगे,
पीछे याद आता है कि अलवर में रोड शो में तमाम विधायक थे, वो भी आम कार्यकर्ता के साथ चल रहे थे, क्या आम कार्यकर्ता के साथ भीड़ में चलते दिखाई देंगे विधायक? रचना ये है, लेकिन जितने भी प्रमुख कार्यकर्ता हैं उन सब ने कहा है कि हम व्यवस्था को बनाने के नाते से कार्यकर्ता के साथ सहभागी बनकर उसके साथ ही चलेंगे। यहाँ पर ये सब कुछ व्यवस्थाएं रहने वाली है और आपको तस्वीरें दिखाते हैं, मुख्यमंत्री का जो वाहन सजाया गया है उस वाहन की वानगी दिखाते हैं कि किस तरीके। ये देखिए पूर्व सांसद रावत साहब मेरे साथ मौजूद है, लगातार यहाँ से सांसद रहे हैं और बीजेपी की अगर बात करते हैं तो अजमेर में बीजेपी को खासा नाम इन्होंने दिया है। ये वही एक पुराने कार्यकर्ता है जो जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं और इन्हीं की वजह से आज बीजेपी यहाँ पर इस मुकाम पर है। अब क्या कुछ रहने वाला है देखने की बात, लेकिन हम रावत साहब से बात करेंगे। रावत साहब क्या लगता है अब आपको यहाँ इस चुनाव को देखने के बाद, एक तरफ सचिन पायलट दूसरी तरफ मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे? इस रैली के मैं लोगों के उत्साह को देख करके और मैं गांवों के अंदर निरंतर घूमता रहा हूं, सारे वातावरण को गांव और शहर को देख करके ये प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेगी। आप इतने साल यहाँ पर सांसद रहे हैं इसी अजमेर से, उस वक्त की जीत में और आज की जीत में क्या अंतर नजर आता है? अब कितना कठिन हो गया है चुनाव जीतना, पहले भी इतना ही कठिन था? पहले इतना कठिन नहीं था, पहले कार्यकर्ताओं में सादगी थी और पार्टी के नेता और सारा वातावरण ही दूसरा था। समय बलवान है और समय बदल गया तो समय के अनुसार सारे तामझाम सारी व्यवस्थाएं और सारा रोड शो सब करने पड़ते हैं। तो ये देखा रासा सिंह रावत साहब ने अपनी बात कही, ये एक बहुत पुराने बीजेपी कार्यकर्ता है, सबसे ज्यादा यहाँ पर सांसद रहे हैं, बीजेपी को यहाँ पर पहचान दिलाने वाले रासा सिंह रावत ही थे और पांच बार लगातार ये रहे और एक बड़ा रिकॉर्ड ये इनका है। इनसे हमने बातचीत की क्योंकि इनकी बात को हर एक आदमी सुनना चाहता था। अजमेर का जो बखूबी इन्हें जानता है, चाहे भाजपा का हो चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता हो या आम आदमी, क्योंकि ये लगातार सांसद रहे हैं। इन्होंने अपनी बात कही है और इसके अलावा फिर से हम आपको लिए चलते हैं उन तस्वीरों में। ये देखिए कि क्या कुछ यहाँ पर तैयारियां हैं, ढोल नगाड़े यहाँ पर आए हुए हैं, ढोल ताशे मंगाए गए हैं, हर एक कार्यकर्ता के हाथ में झंडियां यहाँ दिखाई देंगी और कुछ देर बाद मुख्यमंत्री राजे यहाँ पर पहुंचेंगी। ये देखिए मुख्यमंत्री के लिए यहाँ पर चौकी भी लगाई गई है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री के जो OSD हैं वो खुद देख रहे हैं और सिक्योरिटी जो है सिक्योरिटी भी यहाँ पर लगातार सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा ले रही है। खुद मुख्यमंत्री के OSD लगातार यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्थाएं और क्या कुछ व्यवस्थाएं इन्हें जानने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार जुटे हुए हैं। आप इन तस्वीरों देख सकते हैं इस बिल्कुल बिल्कुल ऐश्वर्य, वाकई ये तैयारियां एकदम नजर आ रही है साफ तौर पर। ऐश्वर्य माफ कीजिएगा यहाँ पर रुकना होगा आपके पास, वापस आऊंगी, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ये तस्वीरें दिलचस्प होने वाली है मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद। इस रोड शो प्रचार आज अजमेर में भी है, इससे पहले मांडलगढ़ के बिगोद में मुख्यमंत्री राजे ने रोड शो किया, चुनाव प्रचार किया और अब मुख्यमंत्री राजे अजमेर पहुंच चुके हैं। आज चुनाव प्रचार के लिए आखिरी दिन है, उपचुनाव प्रदेश में होने वाले हैं 3 सीटें, 2 लोकसभा और 1 विधानसभा सीट जिस पर चुनाव प्रचार होने हैं, लेकिन उससे पहले आज क्योंकि चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है ऐसे में आज सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत इस चुनाव प्रचार में झोंक रही हैं और इसी लिहाज से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी लगातार प्रचार कर रही हैं। तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अजमेर पहुंच चुके हैं हेलीकॉप्टर के जरिए, तस्वीरें आप देख सकते हैं और अब यहां पर भी मुख्यमंत्री राजे का जो कार्यक्रम है चुनाव प्रचार का वो रहेगा। और आपको ये भी बता दें कि खास तौर पर मुख्यमंत्री राजे विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच पहुंच रही हैं और विकास के मुद्दे पर वोट मांगे जा रहे हैं। तो इससे पहले सीएम राजे ने मांडलगढ़ के बिगोद में जोरदार रोड शो किया, चमन चौराहे पर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने सीएम राजे का स्वागत भी किया, यहां से सीएम का रोड शो शुरू हुआ था दरअसल और इस दौरान जगह जगह पर लोगों ने सीएम का स्वागत किया। इस दौरान यहां पर भी खासतौर पर मुख्यमंत्री राजे ने भैरवनाथ मंदिर में भगवान के दर्शन किए। रोड शो के दौरान वहां पर UDH मंत्री श्रीचंद कृपलानी और सांसद चंद्र प्रकाश जोशी मौजूद रहे। अब मुख्यमंत्री राजे अजमेर लोकसभा उपचुनाव के प्रचार के लिए अजमेर पहुंच चुकी हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और अब मुख्यमंत्री राजे का चुनावी प्रचार यहां पर भी रहेगा, जोर शोर से चुनाव प्रचार किया जाएगा और इसके बाद मुख्यमंत्री राजे यहां पर बीजेपी के लिए वोट की अपील करेंगी, साथ ही लोगों को
ये गिनाया जाएगा कि आज तक किस तरीके से बीजेपी ने विकास के काम किए हैं और उन्हीं विकास के मुद्दों को लेकर खास तौर पर जनता से सहयोग की अपील की जाएगी। और अजमेर लोकसभा सीट इसलिए भी दिलचस्प हो जाती है क्योंकि यहां पर खास तौर पर सहानुभूति की बात बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है। ऐश्वर्या प्रधान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का स्वागत सत्कार चल रहा है। ऐश्वर्या, मुख्यमंत्री राजे पहुंच चुकी हैं चुनाव प्रचार के लिए, क्या अपडेट आगे कार्यक्रम को लेकर? देखिए मुख्यमंत्री जो है वो कुछ देर में यहाँ पर पहुंचेंगी। सबसे पहले मुख्यमंत्री इस स्टेज पर आएंगी, स्टेज पर मुख्यमंत्री कुछ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी। कार्यकर्ताओं के संबोधन के बाद मुख्यमंत्री का रोड शो शुरू हो जाएगा। यहाँ पर जो तैयारियां हैं आप बखूबी देख पा रहे हैं, हर एक तस्वीर आप बखूबी देख पा रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है, लगातार आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर। ऐश्वर्या, आपको वानगी दिखाता हूँ, चूंकि आप महिलाओं की वानगी देखिए, आप देखिए। ऐश्वर्या सुनिए, बिल्कुल हम हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हेलीपैड पर मौजूद हैं। ऐश्वर्या, वो तस्वीरें सीधी हमारे दर्शक देख पा रहे हैं क्योंकि आप जिस जगह पर मौजूद हैं वहां पर मुख्यमंत्री अब पहुंचेंगी, तो आप हमें बताएं कि कितनी दूर हेलीपैड से ये जो स्थल है वो रखा गया है और कितनी देर में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच जाएंगी? देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री के आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा क्योंकि ये महज 5 मिनट का रास्ता है। जहाँ पर मुख्यमंत्री का हेलीपैड है वहाँ से राजा साइकिल चौराहा है, ये 5 मिनट का रास्ता है। बमुश्किल 5 मिनट में मुख्यमंत्री यहाँ पर आ जाएंगी। लेकिन जो मुख्यमंत्री इससे मिलने का जो चार्म है वो यहाँ कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री के अलावा बीजेपी, हालांकि अगर मैं अलवर से मुझे अलवर के ज्यादा यहाँ काम झाम दिखाई दे रहा है क्योंकि अलवर का रोड शो भी हमने दिखाया था। कांग्रेस का रोड शो कैसा रहा ये आप बखूबी बता सकते हैं कि कांग्रेस का रोड शो की भी तस्वीरें हमारे सहयोगी ने थोड़ी देर पहले दिखाई थी। तो जनता को आज फैसला करना है कि किस रोड शो में कितनी दम थी या कौन सा रोड शो जनता को प्रभावित कर सका। लेकिन इन सबके बीच में एक बड़ी बात ये भी है कि यहाँ पर जो डीजे साउंड और बैंड बाजे चल रहे हैं वो जरूर लोगों को थोड़ा सा व्यवधान में डाल सकते हैं। यहाँ पर पार्टियों के आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है तो तमाम जो पार्टियां हैं वो पूरा जोर लगाना चाहिए। बिल्कुल ऐश्वर्या, तस्वीरें हमारे दर्शक सीधी देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गाड़ी में बैठ चुकी हैं, हेलीपैड से रवाना होने के लिए मुख्यमंत्री राजे यहां से रवाना हो रही हैं गाड़ी में बैठकर। क्योंकि ऐश्वर्या, जैसा कि आपने बताया, और आज वाकई चुनाव प्रचार के लिए आखिरी दिन है, आज शाम को चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। ऐसे में अब ये जो रोड शो जिस तरीके से किए जा रहे हैं, यहां पर भारी भीड़ जो जुट रही है वो अपने आप में सबसे ज्यादा अहम कही जा सकती है। अब तक जिस तरीके से चुनाव प्रचार हुआ या जनता से सीधे संवाद हुआ उसमें सबसे ज्यादा अब ये जो चुनाव प्रचार हो रहा है इसे कहा जाएगा। देखिए यहाँ पर एक चीज मेरे को नजर आती है, अगर अलवर के रोड शो से तुलना करें तो अलवर के रोड शो में जो सीट की व्यवस्था वहाँ पर तमाम जो एमएलए थे वो सड़क में आम जनता के बीच में थे, यहाँ पर गाड़ियों में एमएलए बैठे हुए हैं। संभवतः हो सकता है कि मुख्यमंत्री इन्हें भी आम कार्यकर्ता के साथ रवाना करें, लेकिन यहाँ पर गाड़ियों में तमाम जो नेता है वो बैठे हुए हैं और कुछ जो कार्यकर्ता है वो पैदल भी चल रहे हैं गाड़ियों में। अब मुख्यमंत्री कुछ ही पल में यहाँ पर आने वाले हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री पहले कार्यकर्ताओं को जोश भरा जा रहा है। ये जो तस्वीरें बयां करती हैं यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि जो टीम जो है यहाँ पर अलग अलग जो टोलियां निकली हुई है उन टोलियों के लोगों से भी बातचीत करें, उनका क्या कुछ कहना है उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले फिर से मेरे कैमरा साथी जितेश आपको ट्राइपोड को हाइट पे ले जाकर दिखाएंगे। इन तस्वीरों को पूरे हाइट पर ट्राइपॉड को ले जाकर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप ये तस्वीरें देखिए और इस नजारे को देखिए, किस तरीके के चेहरे हैं। मारवाड़ी पगड़ी पहने हुए भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ की जो पहचान है इस अजमेर की रूरल की, उस पहचान को यहाँ पर झुंझुनू से आए हुए लोग भी आपको दिखाई दे जाएंगे। पूरे जो तमाम कार्यकर्ता है यहाँ पर दिखाई देंगे। आप और मेरे कैमरा पर्सन
प्रदेश है वो आपको और नजारा दिखा रहे हैं इस तरीके से वहाँ पर तैयारियाँ। ये देखिए आपको दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ वही दिखाई दे रहा है। जो है लगभग शुरू हो चुकी है ये जो रैली है, इसको शुरू होना ही माना जाएगा, लेकिन उससे पहले हम पहले मुख्यमंत्री की तस्वीर आप तक पहुँचाएंगे। मुख्यमंत्री यहाँ आएगी और उसके बाद फिर हम ये तस्वीरें दिखाएंगे आपको, वो सारी झलकियाँ दिखाएगा जी राजस्थान। उन झलकियों में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, आम जनता अंदाजा लगा सकती है कि किस तरफ लोगों का मूव, लोग मूव कर रहे हैं, दोनों पार्टी किस तरीके से लोगों को दिखा रही है। जाहिर सी बात है कि आज पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी अजमेर में लगा देगी। मुख्यमंत्री ने यही से शुरुआत की और यही से आज अंतिम दिन मुख्यमंत्री के प्रचार का होगा और उसके बाद प्रचार है वो थम जाएगा। क्या कुछ रहेगा ये आगे देखने वाली बात है। ये देखिए आप तस्वीरें और महिलाएं जो हैं, ग्रामीण महिलाएं जो हैं वो भी यहाँ पर आ रही हैं। ये देखिए ग्रामीण महिलाओं की भी तस्वीरें मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। ग्रामीण महिलाओं की बड़ी तादाद सुबह से यहाँ पर बैठी हुई थी। ये ग्रामीण महिलाएं ये देखिए नाचते कूदते जा रही है, जैसे ढोल बजता है नाचना शुरू कर देती है। बिल्कुल ऐश्वर्य, तस्वीरें हमारे दर्शक और हम देख पा रहे हैं, महिलाएं भी खास तौर पर यहाँ पर झूमती हुई नजर आ रही हैं। और एक तरीके से शेरगढ़, शेरगढ़, शेरगढ़ से कहाँ से आए हो? शेरगढ़ से। कितने लोग आए हो यहाँ से? 50 आए। सोएगा क्या लगता है बीजेपी, बीजेपी में मोदी वसुंधरा राजे कौन ज्यादा अच्छा लगता है? वसुंधरा और मोदी दोनों ही अच्छे लगते हैं। अच्छा क्या कुछ रहेगा, वोट किसको दोगे? मोदी को, लामा को। यहाँ पर जो आप आए हो मुख्यमंत्री का भाषण भी सुनोगे, इससे पहले जो आपके सांसद थे उन वो किस तरीके के आदमी थे सांवरलाल जाट? बढ़िया। ये जो लोग हैं ग्रामीण लोगों की भी हमने तस्वीरें दिखाई और ये कुछ महिलाएं हैं, उन महिलाओं की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। महिलाएं काफी बड़ी तादाद में दिखाई दे रही है। अलवर में शायद इतनी महिलाएं नहीं दिखाई दी थी जो यहाँ पर महिलाएं आई है, काफी बड़ी संख्या है महिलाओं की। बिल्कुल ऐश्वर्य, आपकी आवाज भी और आपकी जो तस्वीरें हैं ये भी हम तक पहुंच पा रही हैं। हमारे दर्शक देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री के रोड शो को लेकर किस तरीके से लोगों में खासा उत्साह है और बड़ी संख्या में महिलाएं भी नजर आ रही हैं। महिलाओं में भी एक अलग उत्साह, एक अलग खुशी इस बात को लेकर नजर आ रही है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच रही है और खासतौर पर उनके क्षेत्र में आज चुनाव प्रचार मुख्यमंत्री राजे करेंगी। आज बता दें कि उपचुनाव को लेकर जो चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, शाम को चुनाव प्रचार का ये शोर थम जाएगा, चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। और उससे पहले दोनों ही पार्टियां खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक रही है तीनों ही उपचुनाव के लिए, तीनों ही सीटों पर उपचुनाव के लिए लगातार धुआंधार कहा जा सकता है प्रचार किया जा रहा है। और ऐसे को लेकर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जैसा कि पहले मांडलगढ़ विधानसभा सीट की जीत के लिए वहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए गई थी, बिगोद में मुख्यमंत्री राजे ने रोड शो किया और अब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहां से कोशिश करेंगे अजमेर लोकसभा सीट के लिए लोगों से सीधे संवाद करने का। और ये जो लोग मौजूद हैं जिनमें उत्साह है मुख्यमंत्री राजे को देखने और सुनने के लिए, वो लोग अपनी खुशी भी जता रहे हैं। ऐश्वर्य के पास भी चलेंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो तस्वीरें जब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अब से कुछ ही देर पहले हेलीपैड पर पहुंची और यहां से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रवाना हो चुकी हैं। ऐश्वर्य हमारे सहयोगी हमारे साथ वहां पर बने हुए हैं और वहां पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अब लोगों को संबोधित करेंगी। इससे पहले क्या कुछ कहा है मंत्री वासुदेव देवनानी ने और अनिता भदेल ने, वो आपको सुनवा देते हैं। रंग एक जो है ना शुभ सूचक है और विजय का सूचक है, इसलिए मैंने इसको पहना है और चारों ओर भगवा और गेरुआ रंग के लोग, कई महिलाएं भी कई पटका बांधे हुए हैं, कोई जवान लोग सारा बैनर लगाए हुए हैं। मुझे लगता है इतना उत्साह मैंने आज तक जीवन में कभी नहीं देखा जो तुरंत देखा। मुझे लगता है सब लोगों का इंतजार है 29 तारीख सवेरे 8 बजे पहुंचते ही हम जो है अपना मोहर लगा करके और यहाँ से भाजपा प्रत्याशी को विजयी बनाए। देखिए ये आप स्वयं देख रहे हैं कि जिस तरह से ये रैली है उस तरह से ये बहुत अच्छा यहाँ पर जो है दृश्य बन रहा है। जिस तरह से महिलाएं आई हैं केसरिया बाना पहन करके,
और उससे लगता है कि ये जो केसरिया बाना पहन करके महिलाएं हैं वो निश्चित रूप से महिलाओं को एक उत्साह यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ युवाओं का उत्साह दिखाई दे रहा है। चलिए, महिलाओं में उत्साह दिखाई दे रहा है, युवाओं में उत्साह दिखाई दे रहा है फिलहाल, और क्या कुछ नजारे वहां पर है ये भी जान लेते हैं। ऐश्वर्य हमारे साथ बने हुए हैं। ऐश्वर्य, मेरी आवाज अगर आपको मिल पा रही हो तो जानना चाहेंगे, क्योंकि कार्यक्रम में बड़ी बड़ी भारी भीड़ यहां पर जुटी है, फिलहाल जो तस्वीरें हैं हमें दिखाएं। देखिए मैं यहाँ की आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कि यहाँ जो है अभी मोटरसाइकिल की रैली भी रवाना हुई है, मोटरसाइकिलों से लोग चलते हुए रवाना हुए हैं। अशोक सैनी भी अपनी टीम के साथ यहाँ पर लगे हुए हैं। अशोक सैनी से हम बातचीत करेंगे, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष है। अशोक सैनी जी, किस तरीके से यहाँ पर भीड़ आने वाली है अभी युवाओं की? देखिए, मैं समझता हूँ कि हजारों की संख्या में युवा अपने महबूब नेता वसुंधरा जी के स्वागत में और उनके जो ये अब मार्च है उसके लिए यहाँ पूरे बहुत जोश के साथ आए, और सभी मंडलों से सैकड़ों की संख्या में युवा अब बाइकों से पहुंचने वाले हैं। पूरे शहर के अंदर हजारों की संख्या में युवा आ रहे हैं, और मैं समझता हूं एक ऐतिहासिक ये अजमेर के लिए वसुंधरा जी के आज रोड शो के अंदर जो युवा मोर्चे की संख्या रहने वाली है, मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से बिल्कुल ये युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी बात कही थी। अब मुख्यमंत्री बस कुछ ही पल में यहाँ सामने होंगी, मुख्यमंत्री आने ही वाली है। उससे पहले मुख्यमंत्री के इंतजार के लिए यहाँ पर कार्यकर्ता खड़े हुए हैं, और खासतौर पर सिक्योरिटी जो है उसे खासी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो भीड़ है उसे देखते हुए सिक्योरिटी को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। हालांकि अब जो रास्ता है वो साफ कर दिया गया है जहाँ से मुख्यमंत्री को आना है। ये देखिए, आपको यहाँ पर रंग बिरंगी पगड़ियां भी दिखाई देगी, जो कि राजस्थान की शान मानी जाती है। यहाँ की पगड़ियां, काफी सारी रंग बिरंगी पगड़ियों में भी लोग दिखाई देंगे यहाँ पर। और उसके अलावा ये जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों में आपको वो तमाम चीजें दिखाई देंगी जो लगातार ये मेहनत करते आ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो पदाधिकारी हैं। मेरे पास जहां तक जानकारी है, 5000 किलो पुष्प मंगवाए गए हैं, फूल मंगवाए गए हैं 5000 किलो, जो कि पूरे शहर में फूलों की बरसात करने की व्यवस्था की गई है कि छतों से जो पुष्प वर्षा है वो करवाई जाएगी। और उसके अलावा जो अपडेट यहाँ पर मिल रही है उसमें 80 द्वार यहाँ पर बनाए गए हैं। उन 80 द्वारों के जरिए दिखाया जाएगा कि 80 द्वारों पर व्यवस्था करवाई जाएगी, वो तो तमाम व्यवस्था जो कि एक जब एक पूरी द्वारों पर स्वागत की व्यवस्था करवाई जाएगी। और अब आपके आपको वो तस्वीरें भी दिखाई जाएगी जहाँ पर कि मुख्यमंत्री आने वाली है। और वापस से मैं इस सड़क का नजारा आपको दिखाता हूँ, जिस सड़क पर हम खड़े हैं मेरे कैमरा साथी जितेश शर्मा है, उनके जस्ट पीछे की तरफ वो नजारा है। उनके पीछे की तरफ जब आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी एक लोगों की जो भीड़ है वो आप इस रास्ते के आखिरी छोर तक दिखाई देती है। तो यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले सिक्योरिटीज के लिहाज से यहाँ पर जवान भी आए थे, जवानों ने यहाँ पर फ्लैग मार्च भी किया था, और चप्पे चप्पे पर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है उसकी इस तरीके से व्यवस्था की गई है, यदि कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता यहाँ से निकले तो किसी तरीके की कोई ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो जिससे कि आपस में कोई भीड़ जाने जैसी स्थिति पैदा हुई, वो अनुशासन बना रहे, क्योंकि कांग्रेस का भी रोड शो है एक तरफ और दूसरी तरफ बीजेपी का रोड शो है। ये यहाँ पर बैंड बाजों के साथ धुनों के साथ यहाँ पर शुरू हो चुका है आज का नजारा। बिल्कुल ऐश्वर्य, और ये जैसा कि आपने बताया कि अजमेर में आज चुनाव प्रचार जिस जोर शोर से हो रहा है उसी तरीके से कांग्रेस का भी आपने बताया कि चुनाव प्रचार आज खासतौर पर हो रहा है, रोड शो हो रहा है, किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, डिसिप्लिन ना बिगड़े, इस बात की खास कोशिश की जाएगी, खास ख्याल रखा जाएगा। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ पर मौजूद होंगे ऐश्वर्य, और लोगों में खासतौर पर उत्साह भी है। जैसे कि आपने बताया कि कार्यक्रम यहाँ से शुरू होगा, रोड शो की हम बात करते हैं, आगे किस किस जगह पर रोड शो होकर निकलेगा और वहां पर किस तरह के इंतजाम? देखिए, लगभग 6 किलोमीटर का रूट बनाया गया है, और इस 6 किलोमीटर के रूट में मुख्यमंत्री शहर को तमाम पूरे शहर की जो तमाम गलियां हैं, तमाम रास्ते हैं जो कि मुख्य रास्ते माने जाते हैं, उन तमाम रास्तों से होकर निकलेगी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री भी ये संदेश देना चाहेंगे इस अजमेर शहर को कि उनकी जो पावर है वो क्या है, शक्ति प्रदर्शन के जरिए वो भी दिखाना चाहेंगे पावर। हालांकि कांग्रेस जो है उसने भी अपनी रैली की है, उन्होंने भी शक्ति प्रदर्शन किया है, लेकिन लोग बखूबी
डिसाइड कर पाते हैं कि कहां पर कितनी भीड़ आई थी और किस भीड़ ने जो है वो मैसेज यहां पर प्रॉपर दिया है। लेकिन आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं कि इन तस्वीरों में जो है लोग जो है उन्हें मुख्यमंत्री का इंतजार है। रंग बिरंगी पगड़ियां यहाँ दिखाई देंगी, बैंड बाजे हैं, डीजे साउंड यहाँ लगाया गया है। मुझे जहां तक याद है बिल्कुल ऐश्वर्य, ये तस्वीरें हमें मिल पा रही हैं और हम देख पा रहे हैं किस तरीके से बीजेपी के जो कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है। और जैसा कि 6 किलोमीटर का रूट है रोड शो के लिए, बीजेपी नेताओं का दावा है कि ये रूट कम से कम 6 घंटे में पूरा होगा रोड शो के दौरान। उस पर भी बातचीत करेंगे आपसे, आप बने रहे हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बने रहे हमारे साथ। वो आपका अध्यक्ष है, वो आपके पास आता है। मैं इसको फ्री करो, क्यों चुप रहा हूँ? 36,000 पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया 36,000? सुनो, तो मैंने ये कहा एमएलए साहब एक काम करो, वो आपका अध्यक्ष है, वो आपके पास आता है। मैं इसको फ्री करो, आपसे चुप रहे हैं 1 मिनट, क्यों चुप रहा हूँ? क्या दे दिया आपको? क्या दे दिया? 36,000 पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया 36,000? 30,000 पहुँच गया मेरे पास, 30,000। जो वीडियो है वायरल हो रहा है, इसमें दरअसल कांग्रेस का ये वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक मतदाता है जो कि पैसे लेने देने की बातें कर रहे हैं। इसके साथ बता दें कि अजमेर लोकसभा उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों ने मोर्चा संभाल लिया है। अजमेर में पीसीसी चीफ सचिन पायलट और कांग्रेस नेता राज बब्बर ने रोड शो किया। रामधान तिराहे के पास शुरू हुए रोड शो में पायलट और राज बब्बर के अलावा पूर्व मंत्री नसीम अख्तर, इंसाफ समेत कई कांग्रेस नेता शामिल हुए। इस दौरान पायलट के रोड शो में लोगों की खासी भीड़ नजर आई। कांग्रेस जीतेगी, अजमेर शहर में आज जो उत्साह है उस बात का प्रतीक है कि लाखों वोटों से कांग्रेस जीत के जाएगी। सरकार चाहे कितनी कोशिश कर ले, धमकाले, लालच दे ले, कि जनता कांग्रेस के पक्ष में है। ये पब्लिक का मूड है, कांग्रेस का आना तय है उपचुनाव में, भारी अंतर से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी चुनाव प्रचार के लिए अजमेर पहुंच चुके हैं, यहां पर भी रोड शो होने जा रहा है और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने मांडलगढ़ के बिगोद में रोड शो किया और चमन चौराहे पर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री राजे का स्वागत वहां पर किया। और बता दें कि रोड शो के दौरान सीएम का जगह जगह स्वागत भी किया गया। वहीं इस मौके पर भी मुख्यमंत्री ने भैरवनाथ मंदिर में दर्शन किए। पूरे रोड शो के दौरान यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी और सांसद चंद्र प्रकाश जोशी साथ मौजूद रहे। फिलहाल मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अजमेर पहुंच चुकी हैं, अजमेर में भी रोड शो किया जाएगा और रोड शो के लिए भारी भीड़ कार्यकर्ताओं की जुट चुकी है। ऐश्वर्य हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्य, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें हैं दिखाएं, और क्योंकि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का ये रोड शो जैसे कि आप बता रहे थे कि 6 किलोमीटर के करीब का रूट है, लेकिन बीजेपी नेताओं का दावा है कि इतनी भीड़ जुटी है करीब 6 घंटे में ये रोड शो पूरा होगा, क्या जानकारी? मंच पे आ जाइए, दुपट्टे जो आपके पास है लेकर के, एच खान साहब मेरे पास आ जाए, मैं दुपट्टे ले। लंबा रोड शो होगा, ये अब तक का सबसे लंबा रोड शो माना जा सकता है और मुख्यमंत्री है वो कुछ ही पल में यहाँ पर आएंगे। रास्ता खुलवा दिया गया है और यहाँ पर पूरी व्यवस्था कार्यकर्ताओं ने बना रखी है। बीजेपी के कार्यकर्ता है, उन्होंने व्यवस्था यहाँ पर बनाई हुई है। हालांकि जिस वक्त मुख्यमंत्री आती है तो उस वक्त भीड़ जो होती है उसे एडजस्ट करवाना पुलिस कर्मियों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हालांकि अभी तक व्यवस्था जो है वो ठीक दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो है तमाम स्थानीय कार्यकर्ता है, उन्हें मुख्यमंत्री का इंतजार है कि तो चलिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अब अजमेर में चुनाव प्रचार करेंगी। यहां से रोड शो के जरिए लोगों से सीधे वोट की अपील बीजेपी के पक्ष में मुख्यमंत्री राजे करेंगी। तस्वीरें हमारे सहयोगी ऐश्वर्य हमें दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की भीड़ यहां पर मौजूद और कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है, महिलाओं में भी उत्साह। ऐश्वर्य, ये
बिल्कुल यहाँ पर एक अपडेट मैं आपको दे दूं कि रोड शो में मुख्यमंत्री सीधे रोड शो शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री स्टेज पर जाकर किसी देगी कार्यक्रम के मुख्यमंत्री जी की गाड़ी के यहाँ पर अभी सुरक्षा बंदोबस्त के लिहाज से यहाँ पर मुख्यमंत्री को स्टेज पर नहीं ले जाया जाएगा। सीधे मुख्यमंत्री उस खुली गाड़ी में बैठेंगी जो कि मेरे पीछे की तरफ है और उस खुली गाड़ी में बैठकर रोड शो शुरू कर देंगी। इससे पहले जो मंत्री हैं यहाँ पर, चाहे किरण माहेश्वरी हो, वासुदेव देवनानी हो, अनिता भदेल हो या फिर अन्य बीजेपी मोर्चा प्रकोष्ठों के अध्यक्ष संयोजक हैं, वो तमाम जो लोग हैं वो इससे आगे की वाहनों में रवाना हो गए हैं और कुछ बुजुर्ग कार्यकर्ता है वो भी वाहनों में है। बाकी काफी बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर पैदल भी चलेंगे और पैदल चलकर यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री जैसे ही यहाँ पहुंचेगी वैसे ही यहाँ पर स्वागत शुरू हो जाएगा मुख्यमंत्री का और कार्यक्रम यहाँ से शुरू होगा। रोड आगे ये रिक्शा खाली है, बड़ी संख्या में जो है उसको वर्षा करवाने के लिए इन कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था की है। करीब 5,000 किलो फूल जो है वो आए गए हैं, उससे भी ज्यादा 80 यहाँ पर द्वार बनाए गए हैं। 6 किलोमीटर का रोड शो होगा, लगता है की 4, 4:30, 5 बजे तक ये रोड शो लगभग चलेगा। 5 बजे बाद चुनाव प्रचार है वो थम जाएगा, 6 घंटे तक ये रोड शो नहीं चल सकता क्योंकि 1:30 बजे का भी टाइम हुआ है। 1:30 बजे से भी अगर अंदाजा लगाते हैं लगभग 1:30 बजे है तो 5 बजे समाप्त करना होगा आचार संहिता के चलते। यहाँ पर जो है कार्यकर्ता है वो बस मुख्यमंत्री का ही इंतजार करने वाले हैं, जो है वो आने वाली है यहाँ पर और जो वाहन है मेरे वाहन दिखाई देता है मुख्यमंत्री बैठेगी जी। अरे भैया ये बाइक वाले बिल्कुल ऐश्वर्य और तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं, आपसे अपडेट हम ले रहे हैं लगातार। ये तस्वीरें देख सकते हैं जब कार्यकर्ता बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर उत्साह के साथ जुटे हुए हैं। ऐश्वर्य आपके पास लौट रहे हैं, आप बने रहे हमारे साथ क्योंकि सत्ता के संग्राम की बात कर रहे हैं। चुनाव प्रचार जोरों पर है, आज चुनाव प्रचार के लिए आखिरी दिन है। इसी बीच आपको बता दें कि अजमेर लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रचार के लिए फिल्म अभिनेता और उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर और अभिनेत्री नगमा मौजूद रही और इस कड़ी में आज फिल्म अभिनेता राज बब्बर दरगाह शरीफ पहुंचे। उन्होंने मजार पर चादर पेश करके चुनाव में कांग्रेस की जीत की दुआ मांगी। इस दौरान राज बब्बर की झलक पाने के लिए फैंस की भीड़ जमा हो गई। खादिम सैयद हबीब हाशमी ने राज बब्बर को जियारत कराई। इस मौके पर अभिनेता राज बब्बर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो अक्सर अजमेर आते रहते हैं, इस बार कांग्रेस उम्मीदवार को जीत दिलाने की मुराद लेकर पहुंचे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सीएम योगी पर निशाना साधते हुए राज बब्बर ने कहा कि यूपी में बच्चों के साथ रेप की घटनाएं बढ़ी हैं, क्राइम ने पैर पसार लिया। हम किसी की लहर देखने नहीं आए लेकिन जनता की लहर है, जनता का काम नहीं हुआ। यहाँ के एमएलए एमपी यहाँ के सरकार पूरी तरह से निष्क्रिय है, जनता त्राही त्राही कर रही है और जनता चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस को जिताएगी। और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे अलवर दौरे पर हैं। पांडे यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर करण सिंह यादव के लिए प्रचार करने की खातिर 2 दिन से डेरा डाले हुए हैं। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। पांडे ने कहा कि फीडबैक के मुताबिक कांग्रेस जीत रही है। अविनाश पांडे से बातचीत की जी मीडिया संवाददाता अश्विनी यादव ने। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, शाम 5 बजे बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा और बाहर से आए प्रभारी और सारे दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता वापस लौट जाएंगे। हमारे साथ कांग्रेस के महासचिव और प्रदेश में प्रभारी अविनाश पांडे हैं। सर, इन दिनों में जो प्रचार के दिन गुजरे हैं, तीन जगह चुनाव है राजस्थान में, कितने घरों तक आप पहुंचे हैं, कितने मतदाताओं तक आप पहुंच चुके हैं? मुझे खुशी है कि इन तीनों उपचुनाव में कांग्रेस का हमारा बूथ स्तर कार्यकर्ता अपने गौरव के लिए हर क्षेत्र में अपने बूथ के कार्यक्रम में इतनी सक्रियता से लगा हुआ है कि हमारी कोशिश ये रही और हम सफलतापूर्वक अनेक क्षेत्रों में हर एक मतदाता तक पहुंचने का प्रयत्न हमने किया है और उनका जो फीडबैक और जो उत्साह हमें देखने मिला है इस पर मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इन तीनों उपचुनाव में कांग्रेस के